हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए एक बहुत बेहतर एक वीडियो लेकर आया हूँ स्क्वायर रूट निकालने के लिए। जी हाँ, स्क्वायर रूट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मैथमेटिक्स के अंदर। आप चाहे एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट का एक अहम होता है। तो वर्गमूल निकालने की बिल्कुल आसान विधि यहां पर बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मेथड बताऊंगा, कैसे आप महज 2 से 3 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। 4, 5, 6 डिजिट जो भी है, किसी भी डिजिट का आप स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल टिल तक एंड तक देखें, एक एक चीज को क्लियरली समझे, एक एक पॉइंट को क्लियरली समझे, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आता है तो उसको एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखेंगे, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई है। तो यहां पर कुछ क्वेश्चन के साथ, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बिल्कुल इसे अच्छी तरह से क्लियर करके चलूंगा। वीडियो को जल्दी से बच्चों लाइक कर दो, लाइक कर दिया है शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चों तक ये अहम वीडियो पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं स्क्वायर रूट को निकालने की। तो हमारे पास, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है मैथमेटिक्स का, जो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान है। आप इसको ले सकते हैं केवल 249 रुपए में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है गुरुकुल हब एंड्रॉइड ऐप का, वहां पर जाकर आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट करके आप इस कोर्स के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन की 1296 का बच्चों हमें वर्गमूल बताना है। वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल जानते हैं ना, तो वो हमें बताना है। अब 1296 का अगर आप वर्गमूल निकालने जाते हैं तो देखिए यहां पर आपको कुछ संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसको निकालना है कैसे, सॉल्व कैसे करना है, ध्यान देंगे। देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दो दो संख्याओं के पेयर में डिवाइड करेंगे, पीछे से 96 और 12, दो संख्याओं के पेयर में इसको डिवाइड करेंगे। और सबसे पहले हम 12 को देखेंगे कि ये किस संख्या के स्क्वायर के बाद में 12 बनता है। जैसे कि हम जानते हैं कि 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9, क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, समझ रहे हैं ना। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 ज्यादा हो जाएगा 12 से, तो किसके स्क्वायर के बाद आ रहा है, वो 3 के स्क्वायर 9 के बाद आ रहा है 12, ठीक है। 4 का लेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, 3 के स्क्वायर की तरफ जाएंगे। तो किसके स्क्वायर के बाद 12 आता है, 9 के बाद आता है, 9 किसका स्क्वायर है 3, तो इसके नीचे 12 के नीचे हम रख लेंगे 3। बात समझ में आई, तो क्या रख लेंगे हम 12 के नीचे रख लेंगे 3। अब यहां पर पूरे के पूरे इस पेयर पर ध्यान देना, 96 क्या है, 96 एक नंबर है। ऐसी कौन सी संख्या का स्क्वायर बन रहा है जिसके लास्ट में 96 आता है, 96 किसके लास्ट में आता है, समझ रहे हैं आप, किसके लास्ट में 96 आता है, तो 196 होता है बच्चों। 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, समझ रहे हैं ना। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 के लास्ट में क्या होता है, 96 होता है, हमें 96 ही चाहिए। तो ये 14 का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये कोई भी वैल्यू बन रही है बच्चों यहां पर, तो ये 2 डिजिट की ही वैल्यू बनेगी। एक तो डिजिट हमें ऑलरेडी मिल चुके, एक डिजिट और आएगी। अब ये एक डिजिट 1 भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये जो हमारी वैल्यू बनेगी, ये 2 डिजिट की वैल्यू बनेगी, और ये पूरी की पूरी कंप्लीट डिजिट क्या होगी, 50 से छोटी होगी, 50 से लेस होगी ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 50 से इस 14 को माइनस कर लेंगे, 50 से 14 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 36। तो 36 का 6 लिख लेंगे, क्योंकि 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 36 बन जाएगा। क्या बना, ये हमारा 36 राइट आंसर हमारा बन गया। समझ में आया ना कैसे हमने इसको सॉल्व किया। तो सबसे पहले 12 को चेक किया, 12 किसके स्क्वायर के बाद आएगा, तो 12 आता है बच्चों 9 के स्क्वायर के बाद, और 9 किसका है, 3 का, तो 3 हमने यहां पर लिख दिया। फिर 96 को चेक किया कि 96 किसके स्क्वायर में होता है, तो 96 होता है 14 के स्क्वायर, 14 के स्क्वायर में 96 होता है, 196 होता है, ठीक है। 14 को हमने 50 से माइनस किया तो 36 आ गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे तो इसमें तो फिर डायरेक्टली हम सेकंड डिजिट को चेक कर लेते, फर्स्ट की क्या जरूरत, फर्स्ट की बच्चों जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट से ही तो हमें पता चलेगा कि संख्या हमारी 50 से छोटी बन रही है या 50 से बड़ी बन रही है, ठीक है। उसी हिसाब से इसको आगे सॉल्व करके चलेंगे। तो 3 आया, 3 से हमें पता चला कि कोई भी वैल्यू बनेगी 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
लेकिन वो होगी 50 से छोटी, इसलिए हमने 50 में से 14 यानी कि 14 को माइनस किया तो हमें मिल गया यहां पर 36। राइट आंसर 36 इस क्वेश्चन का रहेगा। समझ में आ गया। अगले सवाल पर चलते हैं। एक और सवाल अब देखते हैं हम, इसमें क्या करना है, इसी तरह का 1681 है, ठीक है। तो 1681 है तो क्या करना है, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है। 16 को देखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये 4 का स्क्वायर तो खुद 16 ही हो गया, तो 4 को ही लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 4 के स्क्वायर को लिख लेंगे, मतलब 4 को लिख लेंगे। अब 81 है, 81 किसके स्क्वायर में आता है बच्चों, 81 आता है 9 के स्क्वायर में। 9 के स्क्वायर में क्या आता है बच्चों, 81 आता है। 9 के स्क्वायर में 81 आता है, ठीक है। अब ये भी वैल्यू जो बनेगी, कोई भी वैल्यू बने डबल डिजिट, वो 50 से छोटी ही बन रही है अभी भी, तो क्या करेंगे, 9 को माइनस कर देंगे 50 में से 9 को माइनस कर देंगे आप, तो कितना बनेगा, कितना आएगा, 41 आएगा। एक लिख लेंगे, 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 41 का वर्ग हो जाएगा। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं 41 की और 41 की गुणा करके, क्या 1681 ही आ रहा है, तो बिल्कुल आपको 1681 ही राइट आंसर मिलेगा। समझ में आया ना हमने कैसे सॉल्व किया। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। अभी मेरे पास दो सवाल और हैं, उन्हें भी समझ के जाइए, क्योंकि उस आगे की कंडीशन में क्या होगा। ये तो हमने अभी पढ़ा कि 50 से छोटी वाली कंडीशन है, अब 50 से बड़ी वाली कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं वो भी आप समझेंगे। अगर हमें सवाल दे दिया जाए 3481, अब इसका बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो पेयर दो के ही पेयर बनेंगे, ठीक है, दो ही पेयर बनेंगे, दो दो संख्याओं के पेयर बनेंगे। 5 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 25 और 6 का वर्ग हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों 36। समझ रहे ना, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 36 हो जाएगा ज्यादा, 34 है क्योंकि, तो 5 25 कोई लेकर चलेंगे, 25 के मतलब 5 5 यहां रख लेंगे। लास्ट में क्या है, 81 है, ठीक है, 81 किसके स्क्वायर में आता है बच्चों, 9 के स्क्वायर में आता है। अभी तो बताया था 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। अब देखिए बच्चों ये जो वैल्यू बन रही है वो 50 प्लस वाली बन गई। अभी तक हमने दो सवाल किए वो 50 माइनस वाले थे, 50 से कम वाली वैल्यू थी, अब 50 से ज्यादा वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब 9 को क्या करेंगे, जो लास्ट नंबर हमने देखा 81 दो डिजिट, वो क्या है 9 के स्क्वायर में, तो 9 को हम यहां पर 50 में प्लस कर लेंगे। 50 में प्लस 9 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 9 लिख लेंगे तो 59 राइट आंसर आएगा। 59 × 59 करके देख लीजिए, 3481 हमें राइट आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका तरीका रहेगा स्क्वायर रूट अगर 50 से अबव वाला पूछा जाता है। आगे चलते हैं, एक सवाल और देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4489। समझ रहे हैं ना, 4489 दो के पेयर बनाएंगे, दो के पेयर बनाएंगे, क्या करना है, 6 का वर्ग होता है बच्चों 36, अभी मैंने बताया कि 6 और 7 का वर्ग 49, ठीक है। ये बताया ना कि देखना है कि किन दो के बीच में बनेगा, आप 7 तो ले नहीं सकते क्योंकि 49 तो 44 से ज्यादा हो जाएगा, हमें चाहिए कम वाला, कम क्या है 36, तो 36 यानी कि 44 के नीचे क्या लिख लेंगे 6। अब लास्ट में आगे क्या है, दो संख्या क्या है 289 होता है बच्चों, हमें यहाँ पर स्क्वायर जरूर याद होने चाहिए, कम से कम हमें यहाँ पर 25 तक के स्क्वायर कम से कम याद होने चाहिए। वैसे कम से कम आपको 30 तक तो याद करके चलना है, ठीक है, 30 तक ही आप कर लेना स्क्वायर याद, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, आपको अगर गुणा करनी है और आपको पहाड़े याद नहीं है, तो देखो आप समझ सकते हैं ना कितना आप बेहतर कर पाएंगे और कितना आपको कमी रह जाएगी मैथमेटिक्स को सीखने में। वैसे ही अगर स्क्वायर रूट सीख रहे हैं तो आपको स्क्वायर भी याद होने चाहिए, ठीक है। अब 289 हमने देखा, 289 के लास्ट में 89 आता है, वो होता है 17 का स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू जो बनेगी डबल डिजिट वैल्यू, वो 50 प्लस वाली बनेगी, या 50 माइनस और 50 प्लस ही चेक करना, 60 में नहीं चेक करना, तो 50 प्लस वाली बनेगी, ठीक है। तो 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 50 में आप 17 प्लस करेंगे, 50 में 17 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 67 बनेगा ना, 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 7 लिख दीजिए, क्या आ जाएगा 67 आपको यहां पर राइट आंसर मिल जाएगा। समझ में आया आपको। तो ये मैंने यहां पर चार क्वेश्चन बताए, चारों के तरीके बताए कि कैसे आप इस तरह के स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। और आई होप कि जिन बच्चों को अभी तक दिक्कत आ रही थी स्क्वायर रूट निकालने में, चाहे वो 10th क्लास के बच्चे हैं, चाहे 12th क्लास के बच्चे हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, या फिर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट की बहुत ज्यादा जरूरी एक चीज हो जाती है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इसकी, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स को बिना स्क्वायर रूट समझे आप इसको बेहतर तरीके से मैथमेटिक्स को क्लियर नहीं कर सकते।
ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो उसको 2 3 4 बार देख लीजिए वीडियो को, ठीक है, डेफिनेटली आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये मैंने कोर्स के बारे में बताया कि हमारा बिल्कुल बेहतर कोर्स आया है, एक नया कोर्स 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के साथ 249 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स कराएंगे, चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप हमारे एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करके उस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी या कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको, आप इस व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू।